रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के साकेत के जे ब्लॉक पार्क में, जहां पर 13 सितंबर 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए शहीद जी सिंह सनसनवाल, जिनकी याद में इस पार्क में एक शिलालेख लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद जी सिंह सनसनवाल के पौत्र सुनील सनसनवाल जी। सुनील जी, अच्छा, कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आज शहीद जी सिंह सनसनवाल जी का शिलालेख लगा है, उस पर उनकी यादें लिखी हैं, क्या कहें? ये बहुत ही गर्वान्वित पल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को ये कार्य किया गया था और हमें यहाँ बुलाया गया था, और जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं बड़ा ही गर्व की बात होती है। छोटे से गाँव से निकला हुआ इंसान देश की सेवा में लग गया और आज उसको प्रधानमंत्री द्वारा गया हुआ इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है कि एक गांव का छोटा जवान बच्चा जो जवानी की उम्र में शहीद हो के अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और आज यहां भी सम्मान मिल रहा है, अपने गांव में सम्मान मिल रहा है, पूरे भारतवर्ष में सम्मान मिल रहा है। इंडिया गेट में जो आपका जो वॉर मेमोरियल बना है वहाँ भी इनका नाम लिखा गया है। तो ये बड़ी गर्व की बात है मेरे पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे गांव समाज के लिए, ये बहुत ही गर्व की बात है। और आज इनके दिन पे हमने वहाँ प्रोग्राम किया जहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सांसद जी वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी जो कहा वो भी गर्व वाली बात है कि इतने लोगों को जोड़ने वाला एकमात्र एक ही नाम है। इसलिए हमेशा हमें इंसानों को अच्छे कर्म करने चाहिए जो उनको अच्छी यादों में रखा जाए। तो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपके आपके परिवार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज जो भी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन शहीदों की कुर्बानी की वजह से ले रहे हैं। हमारा शहीदों को नमन है। यह शिलालेख केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे शहीदों की तरफ से एक संदेश है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों समाज के। तो अब हर तहसील में इसी प्रकार के शिला फलकम पत्थर पर उनका नाम शहीदों का होगा, प्रतिवर्ष उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे देश से हर गांव से एक कलश मिट्टी की लाकर हर घर से मिट्टी ली जा रही है, एक चुटकी मिट्टी, और वो कर्तव्य पथ पर भी इन सबकी याद के लिए एक इसी प्रकार से शहीद स्मारक स्थल बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो अब ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है और जिन्होंने देश के लिए अपने लाल को भेज दिया है, ऐसे लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर इस प्रकार के शहीद स्मारक स्थल बनाए जाएंगे। जय हिंद।
चलो चलो। सलाम उन शहीदों को जो खो गए वतन को जगा कर, जो खुद सो गए। नमन है हमारा शहीदों को, सलाम है। कैमरा मैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। जय हिंद जय हिंद।